हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इनक्वालिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्वॉल्व करते हुए जो इनक्वालिटीज होती हैं उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम डील करेंगे और साथ में उनका हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व इनक्वालिटी इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें प्रॉब्लम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे इन्वॉल्व हो रहा होता है और साथ में इनक्वालिटी इन्वॉल्व होती है, तो सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी होती है उनको सॉल्व करने का जो मेथड है, एक्चुअली हमारे पास इनक्वालिटी को सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं उसमें एक मेथड तो ये है कि मेथड फर्स्ट कि आप क्या करो, इन दो फॉर्मुलों को आप हमेशा से याद रखिए। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक मेथड तो हमारे पास ये होता है। सेकेंड मेथड हमारे पास में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी को हमें सॉल्व करना होता है तो बाई ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं ना। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम इजी है या डिफिकल्ट है, उस बात पे निर्भर करता है ना। तो मान लो कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हमेशा याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, पी के इक्वल होना चाहिए या पी से बड़ा होना चाहिए। इन दैट केस जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पी आएगा और पी से बढ़ा जाएगा। ठीक, इन दैट केस में एक्स का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर हमारे पास में लेस देन इक्वल टू क्यू लिखा हुआ है, इन दैट केस सोल्यूशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, हमारे पास एक्स इज लेस देन क्यू प्लस वन आ जाएगा। भैया पी और क्यू हमारे पास कैसे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो देखो हमारे पास ये दो फॉर्मूले होते हैं, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को ढंग से याद रखते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की आप सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो जिसमें इनक्वालिटी इन्वॉल्व रहती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, तो इन दैट केस एक्स कैसा आ रहा होगा, या तो पी के इक्वल होगा या फिर पी से बड़ा रहेगा। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्यू है, तो इन दैट केस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, क्यू प्लस वन से छोटा आएगा। ठीक, इस बात को बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लो पी कोई इंटीजर आ गया हमारे पास में, फोर ले लेते हैं ना, पी की कोई वैल्यू हमने फोर ले ली, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा आएगा, फोर के इक्वल हो सकता है, फोर से बड़ा हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर के इक्वल या फिर फोर से बड़ा हो रहा था, इट मीन जो एक्स की वैल्यूज हैं वो कितना, फोर से लेकर के अप टू आगे तक जा सकते हैं, मतलब 4.1, 4.2, 4.3 या 5 तक जा सकते हैं, 6, 7 कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक ठीक, तो समझना भी आसान बात है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, क्यू से छोटा होना चाहिए। अगेन मान लेता हूँ मैं किसका कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या तो फोर के इक्वल होगा, फोर मान लिया ना, फोर से फोर के इक्वल होगा या फिर फोर से छोटा होगा। तो फोर के इक्वल आए या फोर से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा जैसे 4 के इक्वल आ सकता है, तो 4 के इक्वल कहां तक आएगा, जब अपन 4.99 तक जा रहे होंगे तब तक 4 के इक्वल आ सकता है। इट मीन की जो एक्स का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, जो क्यू प्लस वन ना, 5 जो आ रहा है 5 से जस्ट छोटा होना चाहिए, 5 से जस्ट छोटा कोई भी नंबर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज कितनी आनी, 4 आएगी या फिर 4 से छोटी ही आएगी। क्लियर स्टूडेंट, होप आप इन दोनों फॉर्मुलों को समझ गए। वेल, मैं आपको ये कहूंगा कि इन दोनों फॉर्मुलों को आप याद रखिए। ठीक, अगर आपको ये दोनों फॉर्मुले याद रहते हैं तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करते हुए जो भी प्रॉब्लम होगी उसका आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम ये लेता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से एक्स का सोल्यूशन कितना आ जाएगा आप आसानी से बता सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। नाउ मान लेते हैं कि हमने सेकंड लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, तो यहाँ से एक्स का जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, एक्स कैसा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, नाउ मान लो कि मैंने एक और यहाँ पे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का एग्जैक्टली 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, अब एग्जैक्टली 5 से बड़ा होना चाहिए, हमने जो फॉर्मूले याद रख रखे हैं वो किस केस में याद रख रखे हैं, जब इक्वालिटी का सिंबल है उस केस में हमने याद रख रखा है। अब क्या है, मुझे इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है और यहाँ पर तो इक्वालिटी का सिंबल है ही नहीं, तो इट मीन के एक्चुअली इसका मीनिंग समझो आप ध्यान से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इट मीन कि अगर मैं चाहूँ तो इस वाले पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 6 के इक्वल हो सकती है या फिर 6 से बड़ी हो सकती है, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका तो मुझे फॉर्मूला पता है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल डायरेक्ट हट जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, नाउ मान लो कि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, हमारे पास 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो अगेन फिर वही बात कि हमने जो फॉर्मूला सीख रखा है, जो फॉर्मूला हमने याद रख रखा है या सीख भी रखा है, तो एक्चुअली वो किस केस के लिए सीख रखा है,
इन केस ऑफ इक्वालिटी सीख रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल है नहीं तो ले आते हैं। पहले इसका मीनिंग समझो क्या लिखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा होना चाहिए मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और भी सारी वैल्यू जो इंटीजर है वो हो सकता है। इट मीन की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे होगी, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो 4 के इक्वल होगा या फिर 4 से छोटा होगा। ठीक, ऐसा बोला जा सकता है। और जैसे आपने ये लिखा तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, इक्वालिटी का सिंबल यहाँ पर आ गया। जैसे इक्वालिटी का सिंबल आ गया तो मैं इस फॉर्मूले को यूज में ले सकता हूँ। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा कितना आएगा, एक्स इज लेस देन 5 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो हम जो फर्स्ट मेथड सीख रहे थे कि बाई यूजिंग फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिए, मान लो कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं ले लेता हूँ। इधर की साइड लेते हैं, बाई ग्राफ हम बाद में अलग पेज पर पढ़ लेंगे। नाउ मान लो कि मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक, माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। तो यहाँ से अगेन जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो कितना आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ जाएगा। मीन्स यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। नाउ मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अगर -5 है, इसको अगर आपको सॉल्व करना रहेगा तो डी स्टूडेंट क्या फॉर्मूला लगा दोगे आप, एक्स इज लेस देन -5 +1। तो -5 +1 मीन्स -4, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लिखा -4 से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, -4 से बड़ा होना चाहिए। तो डी स्टूडेंट नंबर लाइन पे जाओ आप, -4 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो इट मीन कि इस वाली लाइन को आप अलग ढंग से क्या बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, जो नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है -4 या -4 के इक्वल हो सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक, नाउ अगेन अगर मैं बात करता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना चाहिए, -5 से छोटा होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, तो आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 से छोटा होना चाहिए। तो अगेन आप जाओ नंबर लाइन पे, मतलब -5 से छोटे का सेंस क्या है, मतलब -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, सॉरी -5 से छोटा मतलब -6 हो सकता है, -7 हो सकता है, -8 हो सकता है। ठीक, ये सब हो सकता है। तो इट मीन कि हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकता है, -6 हो सकता है और -6 से छोटा हो सकता है। ठीक, और इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इक्वालिटी का सिंबल आ गया, तो हमारा डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन -5 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। एक्चुअली दो फॉर्मूले थे, आपको अच्छे ढंग से ठीक समझ आ गया। थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो ना, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट देखो और फिर उसके बाद आप रिवाइज कर रहे हो। अगर थोड़ी सी बस एक बार तसल्ली से समझ लो कि एक्चुअली होता क्या है ना, दो फॉर्मूले हैं, बार बार मैं इन दोनों फॉर्मूले को ही यूज में ले रहा हूँ। ठीक स्टूडेंट, नाउ कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं जिससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए हमारे पास में। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आगे समझो ना, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि हमारे पास में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ, प्लस का 4 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस इनक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इस इनक्वालिटी को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहला काम तो हम ये करते हैं इसे फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर आ जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -4, दैट मस्ट भी कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना रहता है तो क्या है कि अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को इस फैक्टर लिखा हुआ और एक क्वाड्रेटिक कैसे फैक्टर, एक ये फैक्टर लिखा हुआ है एक्चुअली इसको, ये और ये कैसा ग्रेटर देन 0 है। तो इसको मैं आगे अब सॉल्व करना चाहिए तो एक काम ही करता हूँ, लेट मैं इसको टी मान लेता हूँ। तो टी इसको मैंने एज्यूम कर लिया तो कितना आ गया, टी -1 यहाँ पर आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा, टी -4 आ जाएगा। दैट शुड भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कुछ जो बच्चे होते हैं कुछ के दिमाग में एक्चुअली बात ही रहती है कि इसको जब वो सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, टी ग्रेटर देन 1 और टी ग्रेटर देन 4, दोनों साइड इसे क्या है, ग्रेटर देन लगाते हैं, मतलब यहाँ भी ग्रेटर देन लगाते हैं, यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ जाता है। तो जो स्टूडेंट इस तरह से लिखते हैं जो एकदम कम्प्लीटली गलत लिख रहे हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये लिखा हुआ गलत है ना। तो उन्हें सॉल्व कैसे करना चाहिए, जनरली क्या है कि ये तो एक आसान सी इनक्वालिटी है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर देते हैं। बट आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि नंबर लाइन पे पहले आप करो, दो वैल्यूज आ गए 1 और 4, नंबर लाइन पे दोनों को पुट कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से लिख दो और अल्टरनेट आप प्लस माइनस साइन लगा दो। अब प्लस साइन लगाने से पहले आप ये ध्यान रख लेना चाहिए कि कोफिशियंट ऑफ टी दोनों में कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और इनिशियली यहाँ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव साइन आना चाहिए ना। ठीक, देन हम क्या कर सकते हैं, प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक, कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव पार्ट।
पॉजिटिव पार्ट कौन सा रहेगा, एक तो ये आंसर आ गया एक हमारे पास, और एक पॉजिटिव पार्ट इस हिस्से में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि टी कैसा होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है टी कैसा होना चाहिए, फोर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ टी लिखी हुई है। तो टी हमारे पास कैसा आ गया, वन से छोटा। टी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, फोर से बड़ा होना चाहिए। ठीक, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वन से छोटा होना चाहिए, फोर से बड़ा होना चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इनक्वालिटी लिखा हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम ही करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है वन से छोटा होना चाहिए, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो नेक्स्ट इससे जो पिछला वाला जो इंटीजर आएगा मतलब जीरो आएगा, मतलब जीरो के इक्वल हो सकता है या फिर जीरो से छोटा हो जाए। ठीक, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या रहेगा, इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो कितना जाएगा, एक्स इज लेस देन जीरो प्लस वन। ठीक, तो हमने एक फॉर्मूला सीखा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एक्स लेस देन इक्वल टू पी है, ठीक, तो उसका सॉल्यूशन कितना आता है, एक्स लेस देन पी नहीं क्यू ना, क्यू प्लस वन आ जाएगा। अब मान लो कि इसको मुझे सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट इंटीजर कौन सा रहा, फाइव, फाइव के इक्वल हो सकता है, फाइव से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो अब इक्वालिटी का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके लिए फॉर्मूला सीखा हुआ था। अब ना इसको मुझे लिखना हो तो इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर है। अब देखो इस तरह की अगर बातें आपको क्लियर है तो एक्चुअली हम किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे बढ़िया यूज जो आता है वो कहाँ आता है, इन केस ऑफ डोमेन वाली प्रॉब्लम्स में आता है, मतलब फाइंड डोमेन, हमें डोमेन फाइंड आउट करना होता है। और मान लो कि प्रॉब्लम मैंने ये लिखा एफ एक्स इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3। ठीक, मान लो कि एक और प्रॉब्लम मैंने बताया, बना लिया कि यहाँ पर वन अपॉन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, या थ्री माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, कुछ ऐसे लिख दिया। मान लो इसका डोमेन आपको निकालना है, मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6। ठीक, इसका मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है। या फिर मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1 अपॉन में यहाँ लिख देता हूँ 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मान लो इस तरह से हम काफी सारे चेंजेस कर देते हैं ना, मान लो कहीं पे मैं मॉड भी लगा दूँ, मान लो कि एक जगह मैंने मॉड लगा दिया तो इस प्रॉब्लम को मैंने और थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स -3, इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट, इन सभी प्रॉब्लम्स को जब आपको डोमेन निकालना रहता है तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या रहती है कि अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कराओगे। ठीक, इसको भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कराओगे, डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू जीरो आ नहीं सकता, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कराओगे। और जैसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कराते हो तो देखो हर बार क्या बन जाता है, इनक्वालिटी बन जाता है। हर बार एक इनक्वालिटी बन गया तो इनक्वालिटी को सॉल्व करने का अपना एक प्रोसीजर होता है जो आप यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। मान लो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी है इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है कि लेस देन इक्वल टू क्यू है और ग्रेटर देन इक्वल टू पी है। ठीक, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना रहेगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स लेस देन क्यू प्लस वन आ जाएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, पी आएगा। डायरेक्ट वही फॉर्मूले लग गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू पी, इधर से देखो आप। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ गया। और यहां से हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्यू, मतलब लेस देन इक्वल टू क्यू प्लस वन। ठीक, तो इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, आपको इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, इनक्वालिटी को जब भी सॉल्व करना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली को, हम करते क्या, वहां इक्वालिटी का सिंबल होना चाहिए, यहाँ इक्वालिटी का सिंबल है नहीं। ठीक है, तो ले आते हैं, कैसे, ये कह रहा है 6 से छोटा, 6 से छोटा क्या होता है, 5 होता है, तो ये क्या होगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, 5 से छोटा हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कितना जाएगा, 5 + 1 तो 6 आ गया और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक स्टूडेंट, ये आ जाएगा। ओके, होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत सीख लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका क्या प्रॉपर तरीका होता है। ठीक, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए ना, मैं एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। तो हम जो सीख रहे थे कि हाउ टू सॉल्व इनक्वालिटी इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो एक तो मैंने आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता दिया, दूसरा मैं डिस्कस कर रहा था, आपको बता रहा था बाईग्राफ भी हम क्या कर सकते हैं, इनक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो प्रॉब्लम आसान सी है तो हम डायरेक्ट मैनेज कर लेंगे, सही ये प्रॉब्लम्स है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत चेंज है, फिर वेरिएबल्स है हमारे पास में, तो फिर हम क्या करेंगे कि बाईग्राफ हमें इनक्वालिटी को सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उनसे आप समझना। सपोज मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये दिया कि सॉल्व द इनक्वालिटी
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। पहला काम तो क्या करो, आप इसका ग्राफ बनाओ, वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ क्या आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने बना लिया, ठीक है। तो 0 to 1 आप ऐसे जाओगे, 1 पे ब्रेक करेंगे, फिर ऐसे आप जाओगे, फिर आगे ब्रेक करोगे, फिर ऐसे अगले इंटीजर पे से ब्रेक करेंगे, फिर आगे ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक। हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ये हमारे पास 0.1 आ गया, सॉरी ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। सिमिलरली मैं डिनोमिनेटर नीचे भी अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ कुछ, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट से याद भी होना चाहिए, फटाफट आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। हर इंटीजर पर क्या होता है, ऊपर की साइड चढ़ जाता है ना, ठीक, सीढ़ियां बना लेता है, इस तरह का ध्यान दीजिए ना। जैसे आपको कोई इंटीजर दिखा, जस्ट ऊपर जंप कर जाएगा, 1 से 2 है, तो 2 से जैसे 2 पे पहुंचेंगे तो अगला ऐसे जंप कर जाएगा ना। जैसे वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ की हम बात करें, तो वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ क्या होता है, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, जो डॉटेड लाइन में, मैं कुछ कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसको ग्रीन कलर देते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक। अब क्या है, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए, ठीक, या फिर एक्स से बड़ा होना चाहिए। देखो डिस्ट यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्चुअली ग्राफ में बड़ा कौन सा होता है, जो ऊपर दिखाई देता है, तो एक्स बड़ा आ रहा है, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा आ रहा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर सब जगह छोटा छोटा आ रहा है ना, तो इट मीन कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आंसर आया हमारे पास में, नो सॉल्यूशन, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर मान लो कि इस प्रॉब्लम को मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो, या तो एक्स के इक्वल हो या फिर एक्स से बड़ा हो, ठीक। इस केस में जब आप सॉल्व करोगे, तरीका वही है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, बात वही। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ आ गया। मान लो कि 0 to 1 में कुछ ऐसे ग्राफ गया, 1 1 पे ब्रेक हुआ, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 2 पे ब्रेक हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 3 पे ऐसे पहुंचा, तो नेक्स्ट इंटीजर पे ब्रेक हुआ 3, फिर आगे से जाएगा ग्राफ, फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइड में भी जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर यहाँ ब्रेक होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा होगा, ठीक फ्रेंड। तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब एक काम करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या रहेगा, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, मतलब 1 पे वैल्यू 1 आई, 2 पे वैल्यू 2 आएगी, 3 पे वैल्यू 3 आएगी, और -1 पे वैल्यू -1, तो मतलब इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ टच कर रहा है ना। ठीक फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, एक्स के इक्वल या फिर एक्स से बड़ा। तो ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा छोटा ही आ रहा है ना, तो एक्स कभी से बड़ा तो आ नहीं रहा, तो बस, तो ये छोटा वाला तो केस हो नहीं सकता, मतलब बड़ा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। बट ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के इक्वल हो जाए, हाँ ये पॉसिबल हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर इक्वालिटी आ रही है, एक इक्वालिटी यहाँ पर आ रही है, एक इक्वालिटी यहाँ पर आ रही है, और एक इक्वालिटी यहाँ आई, और एक इक्वालिटी यहाँ आई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स के इक्वल या फिर एक्स से बड़ा। तो एक्स से बड़े में तो कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, बट एक्स इक्वल हो सकता है, तो इक्वल कहाँ पर हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पर। तो ठीक है, 1 पे 2 पे 3 पे सब पे से इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, एक्स कैसा होना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करे, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, मान लो कि प्रॉब्लम में थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, और आपको इनक्वालिटी से सॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमने ऐसे कुछ लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए कि -x से बड़ा होना चाहिए, ठीक। ठीक है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमने वैसे बना ही लिया, ग्राफ बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो भी स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो बनाना आप सीख गए, 0 to 1 गए, 1 पे ब्रेक करोगे, फिर ऐसे 0 से 2 जाओगे, फिर ब्रेक करोगे 0 से लेके मतलब यहाँ से लेके 3 गए, फिर ऐसे ब्रेक करोगे, फिर ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक। दिस इज 1 होगा, दिस इज 2 और दिस इज 3, ये 3 लिखा हुआ, दिस इज 4। और नेगेटिव में भी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसे कुछ आएगा, नेगेटिव में यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। Now, अब y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाते हैं, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, दिस इज ये ग्राफ y इक्वल टू -x का आ गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होना चाहिए, -x से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ वाले केस में आप देखते हो, यहाँ से हमने चेक करना स्टार्ट किया और यहाँ तक चेक करेंगे ना, कंप्लीट डोमेन पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं चेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पर गया, 0 पे पहुंचा, 0 पे दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों एक दूसरे कट कर रहे थे, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड हो रही है। पर जैसे मैं इसे आगे जाता हूँ, आगे गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है मतलब बड़ा हो गया, ये छोटा नीचे जा रहा है मतलब छोटा है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब यहां तक देखा है तो अपना एक्चुअली ये आंसर हुआ,
इस लाइन को आपने सेलेक्ट कर लिया, इस लाइन को भी आपने सेलेक्ट कर लिया, ये भी आपका सेलेक्ट हो गया, एंड दिस इज ये भी आपने सेलेक्ट कर लिया, मतलब ऐसे सारी वैल्यू सेलेक्ट हो गई। तो ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास एक्स की ये हमारे पास कंप्लीट से जो सेलेक्टेड ग्राफ आया कौन सा आया, ये आया। ग्रेटर देन ये कैसा होना चाहिए, माइनस एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो इस सभी केसेस में बड़ा आ रहा है, बट हमें निकालना है कि एक्स एक्स निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग आप एक्स देखो, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स तो आया 0 to 1, यहाँ करस्पॉन्डिंग एक्स कितना आया 1 से 2 आया, यहाँ से 2 से 3 आया, मतलब दिखाया जाए तो कंप्लीट हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो कितना है, एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात क्लियर है और इनक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका भी क्लियर है। अगर मान लो प्रॉब्लम में वेरिएबल आ रहे होते हैं ना, तो हम इसे डायरेक्ट मैनेज नहीं कर पाते, हम बाई ग्राफ्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होप आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, आसान वाला तरीका, मतलब एक तो हमने डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम सीख ली थी और कुछ हमने बाई ग्राफ सीख लिया था। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।